और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उन्हेल से। उन्हेल थाना क्षेत्र के बेड़ला फंटे पर मंगलवार को पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान एक युवक से अवैध देसी पिस्तौल बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर गश्त के दौरान कीटिया फटेलवे फाटक के पास 35 लीटर अवैध देसी शराब के साथ एक और युवक को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से अवैध हथियार बरामद युवक को 3 दिन के रिमांड पर सौंपा जाएगा तथा अवैध शराब के मुलजिम को जेल भेजा जाएगा। थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को गश्त के दौरान बेड़ला फंटे पर चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान युवक पूनम चंद पुत्र लखमा कंजर उर्फ 50 वर्ष निवासी बामन देवरिया आता हुआ दिखाई दिया। युवक पुलिस को देख रास्ता बदलकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर युवक को पकड़ा व उसकी तलाशी ली। उसके पास से एक अवैध देसी पिस्तौल फायर आर्म्स बरामद की व युवक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर गश्त के दौरान कीटिया फंटे पर रेलवे क्रॉसिंग के रास्ते पर बाबूलाल कंजर पुत्र दूला कंजर उम्र 31 वर्ष को 35 लीटर अवैध देसी शराब प्लास्टिक की जरकेन में ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमों को बुधवार को चौमहला न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से अवैध शराब मामले में गिरफ्तार मुलजिम को जेल भेजा व अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार युवक को 3 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा जाएगा। सर, ये क्या मामला है? ये जो कल दो आदमी गिरफ्तार किए, इनके बारे में? हाँ, ये क्या है कि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ द्वारा एक स्पेशल एवं लोकल एक्ट की कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुझ थाना अधिकारी द्वारा कल इलाका थाना में सघन गश्त व नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान डेरा कंजरान में एक व्यक्ति बाबूलाल नाम का कंजर, जो 22 लीटर कच्ची शराब लेते हुए कीटिया फंटा के पास मिला, जिसको दारू के प्रकरण में कार्रवाई की मेरे द्वारा। एक और दूसरा मामला सर? दूसरा है पूनम चंद लखमा कंजर है, ये इन कंजरों का बॉस है और इसके इशारे पे कंजर लोग रोड पर चलने वाले ट्रक व्हीकल्स की लूट करते हैं तथा सामान उतारते हैं। और इस अभियान के तहत ही ये कल अपने डेरों की तरफ से रात्रि के समय आता मिला, जिसको मैंने चेक किया। चेक करने पर इसके पास एक देसी पिस्टल मिली और आर्म्स एक्ट तहत मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। सर, इसको पेश न्यायालय में? आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है पूनम चंद को और इसको बाबूलाल को, और न्यायालय से इनका रिमांड प्राप्त किया जाएगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सत्यमेव न्यूज और YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज।